नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में जिसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट इग्निकल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारे इंडिया परिवार और सीबीआई से सुपरडिक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के सिलसिले में। फ्रेंड्स, सारे इंडिया परिवार का कहना था कि बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उनका जो सहारा ने ये दावा पेश किया था कि उन्होंने जो है सेबी यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया को जो है पैसा रकम दे दी है और सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया को ये रकम उनके इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए। बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने धरना भी दिया और अगर हम बात करें दिल्ली के जो ग्राउंड में बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी बात को रखा भी। सारे इंडिया परिवार के जो इन्वेस्टर्स जिन लोगों को वाकई में पैसे की ज़रूरत है वो लोग वहाँ पे गए और उन्होंने सारे मिल करके सारे इंडिया परिवार के लिए सरकार से अपील की कि हमारा पैसा जो है दिलवाओ। तो फिर बात करें तो अगर बात करें तो यहाँ पे बात चले कि SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसे SFIO के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब हाईकोर्ट में केस चल रहा था तो SFIO के अंडर में ये बात चल रही थी। SFIO की जांच पर रोक लगाने वाले और सहारा प्रमुख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पर रोक के आदेश पर रद्द किया गया। अगर सहारा के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ये आदेश जारी करने में सही नहीं था। हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी कर पूरी जांच को रोक दिया। हाईकोर्ट हमारी टिप्पणियों पर ध्यान दिए बिना रिट याचिका पर फैसले जो है हाईकोर्ट में मामले में तेजी से निपटाया जाएगा। ठीक है, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूरी जांच को विफल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हाईकोर्ट की जो जांच थी पूरी जो SFIO की पूरी जांच थी उसको क्या कर दिया, विफल कर दिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा और ऐसा है इस बार जो है कोर्ट ने सुगत राय सारा जी पहुंचे जिससे कि जब बात ये आगे बढ़ सके और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस मिल सके। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।